नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा ज्ञान गंगा में श्रद्धालुओं को शिव पार्वती विवाह का स्मरण करवाया गया। महाकाल की कृपा से हमें वृंदावन पहुंचा दिया। कहते नहीं है लाखों में किसी एक को चुनते कर्मण्य कृष्ण सेवा समिति के तत्वावधान में नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा का वाचन राष्ट्रीय संत स्वामी घनश्याम दास जी महाराज मानस सम्राट के मुखारविंद से श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष मिथिलेश राधा दीदी गुप्ता ने बताया कि मुख्य यजमान राजस्थान के राजेश कुमार वीड़ा देवी गोयल ने श्रीराम कथा का आयोजन किया है। आयोजन नीलगंगा स्थित हनुमान मंदिर गार्डन में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है। 5 सालों से श्रीमद् राम कथा का आयोजन हो रहा है इस समिति के द्वारा। 5 सालों से इसके आयोजन इसके हमारे पदाधिकारी हैं उर्मिला शर्मा, राजवीर बना, संतोष कपूर, जगन्नाथ जी महाराज मुख्य यजमान के रूप में हमारे यहाँ संतोष राजस्थान से पधारे हुए हैं, संतोष भैया और मीरा दीदी। आज शिव विवाह नारद मोह राम जन्म कारण पर कथा का श्रवण किया गया। कार्यक्रम में नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत, पत्रकार एस एन शर्मा, समाज सेवी कुलदीप धारिया, मुख्य यजमान राजेश कुमार रीणा, देवी गोयल आदि ने आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। आज भगवान के शिव विवाह और नारद मोह राम जन्म के कारण की कथा हुई है। कल राम जन्म होगी और समिति के द्वारा यहाँ पर कई गत वर्षों से कथाएं होती आ रही हैं, इसके अलग अलग उद्देश्य भी हैं। अभी आज ही घोषणा हुई है कि समिति के द्वारा ही एक राधा कृष्ण मंदिर, उसी में संतों की, ब्राह्मणों की, अनाथों की, जो अनाश्रित हैं उनकी भी सेवा हो, ऐसा संकल्प आज लिया गया है। इस अवसर पर राजेंद्र उपाध्याय, संतोष कपूर, नवल किशोर मिश्रा, उमेश सेंगर, मीडिया प्रभारी राजवीर बन्ना, कलावती यादव, उर्मिला शर्मा, शारदा राय, शकुंतला दुबे, दयाशंकर गुप्ता आदि उपस्थित थे। हमारी दीदी हमसे मुलाकात हुई मिथिलेश जी से, उनसे बोला कि बाबा घनश्याम दास जी जो वृंदावन राजे हुए इनके एक बेर कथा श्रवण यहाँ हो जाए, तो फिर उनसे हमारा हुआ तो बोले फिर अब कथा एक बेर यहाँ हो रही है, तो मुख्य यजमान के रूप में इन्होंने हमको चुना और यहाँ कथा महाराज जी के हिसाब से।